देवरा एक अलग जॉनर की फिल्म है जिसकी स्टोरी है समुद्री लुटेरों के ऊपर, जहां पावर के लिए पॉलिटिक्स होती है और फिर होता है घमासान युद्ध। इस फिल्म का मेन शूटिंग लोकेशन है गोवा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और थाईलैंड। जूनियर एनटीआर ने 1 अप्रैल 2023 को फिल्म ज्वाइन किया था, जिसके बाद हमें यूट्यूब पर उनका एक वेलकमिंग टीजर भी देखने को मिला था। फिल्म के डायरेक्टर कोटाला शिवा की पिछली फिल्म आचार्य बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान देवरा पर फोकस कर दिया था। चाहे वह स्क्रिप्ट हो या विजुअल, सिनेमेटोग्राफी हो या फिर जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंस, इस फिल्म में सब कुछ एक से बढ़कर एक है। फिल्म में दिखाई जाने वाली यूनिक मास्टरपीस एक्शन सीक्वेंस को हॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर केनी बेट्स ने डिजाइन किया था। देवरा और भैरवा के बीच होने वाला यह शस्त्र पूजा का फाइटिंग सीक्वेंस भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इन सभी सीन्स को 14 दिनों में शूट किया गया था। वैसे तो पहले इस फिल्म को आउटडोर लोकेशंस पर शूट करने की सोची गई थी, बट इन जगहों पर फिल्म मेकर्स और कलाकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फिल्म के मल्टीपल सीन्स का लीक होना, क्योंकि जहां भी उनकी टीम शूटिंग के लिए पहुंचती थी वहां लोगों की भीड़ लग ही जाती थी, जिससे सिक्योरिटी कंसर्न का भी सामना करना पड़ता था। उन्होंने डिसाइड किया कि वह आगे की सीन इंडोर में ही शूट करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो VFX के बिना फिल्म की शूटिंग संभव भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विजुअल और अंडरवाटर सीन थे जिसको रियल लोकेशंस पर शूट करना पॉसिबल ही नहीं था, जिसके लिए फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल ने हैदराबाद में एक बड़ा सा VFX सेट बनाया था। यह VFX सेट पूर्ण रूप से हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस था। इसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया गया था। जैसा कि फिल्म में हमें कई जगहों पर अंडरवाटर सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन एक्शन सीन को शूट करने के लिए आर्टिस्ट और फिल्म के लीड एक्टर जूनियर NTR को इसकी घंटों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। एक्चुअली में रामा राव ने इन सारे कास्ट को स्विमिंग और अंडरवाटर सीन की ट्रेनिंग दी थी, जो खुद एक एक्सपर्ट स्विमर है। इस सेट को इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था जैसे यह कोई बहुत बड़ा तालाब हो। यहाँ पर आप नावों को देख सकते हैं जो दिखने में काफी छोटे नजर आ रहे हैं। वहीं इस सेट को चारों तरफ से ब्लू कलर के बैकग्राउंड से कवर किया गया था। स्पेशल इफेक्ट के लिए डार्क ब्लू कलर के पर्दे भी आप कई जगहों पर देख सकते हैं, जिससे विशेष तरह के चट्टानों और इफेक्ट्स को दर्शाया जा सकता था। यहाँ पर मोटरबोट, बुलडोजर और हाईटेक वेब मशीन भी थी। बड़ी वेब को बनाने के लिए बुलडोजर की मदद ली जाती थी। फिल्म में दिखाई गई पत्थरों और चट्टानों को रियल में बीच से कलेक्ट किया गया था। उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली थी, जिसके बाद उसे यहाँ सेट पर लाया गया था। कि यहाँ जो छोटे छोटे चट्टानों को पुल में आप देख रहे हो, उनमें से कई रियल भी है। हालांकि सारे चट्टान रियल नहीं थे, कुछ को प्लास्टर ऑफ पेरिस और थर्मोकोल से बनाया गया था जो मूवेबल थे, यानी कि सीन के हिसाब से उसे एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखा जा सकता था, जिससे कि एक ही लोकेशन को अलग अलग तरीके से दिखाया जा सके। यहाँ एक बड़े से शिप को आपने देखा होगा जिसमें ईथन लिखा रहता है। इस कंटेनर शिप को दिखाने के लिए मेकर ने उसके कुछ पार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको कि ग्रीन कलर से कवर किया गया था, जबकि कंट्रोल रूम और ऊपरी स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए उसे प्रॉपर तरीके से बनाया भी गया था। वहीं सेट पर आप छोटे छोटे बोट की मैन्युफैक्चरिंग होते हुए भी देख सकते हैं, जिनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टीम ने लोकेशन पर ही बनाया था। इसके अलावा आप कोस्ट गार्ड की शिप को भी देख सकते हैं। फिल्म का यह क्लाइमैक्स का सीन है जब भैरवा के कहने पर कुंजरा का बेटा अपने लोगों के साथ देवरा को मारने के लिए जाता है। यह फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, जिसको शूट करने में काफी डिफिकल्टीज भी आई थी, बिकॉज इस तरह के मास एक्शन सीक्वेंस को एक क्लोज स्टूडियो में शूट करना आसान नहीं होता है। फिल्म मेकर को बार बार रीटेक लेनी पड़ती थी। स्विमिंग पूल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है तो वह एक पूल ही। कम रनिंग स्पेस होने की वजह से स्टार कास्ट अपनी नाव से तुरंत दूसरे किनारे तक पहुंच जाते थे। यहाँ आप कुंजरा के बेटे और उनके साथियों के हाथ में गन भी देख सकते हैं, जो पानी में इधर उधर फायर करते हुए नजर आए थे। VFX में हमें काफी डिटेलिंग देखने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है
फिल्म के सिनेमेटोग्राफर आर थानवेलु का, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में पूरी जान लगा दी थी। उन्होंने इस सीन के लिए डिफरेंट कैमरा एंगल का सेटअप रखा था, जिसमें यह रेलिंग कैमरा और ड्रोन कैमरा था। इसके अलावा वह खुद भी पानी में उतर कर अंडरवाटर सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि जो कैमरा उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था वह वाटरप्रूफ था, जिसकी वजह से अंडरवाटर टेक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। गाइज, आप लोगों को अंडरवाटर सीन की रियल शूटिंग देखनी है तो मैं आपको अवतार 2 फिल्म का BTS रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उस फिल्म में काफी हाईटेक और रियलिस्टिक तरीके से अंडरवाटर सीन शूट किए गए हैं, जिसके लिए जेम्स कैमरून ने नई नई टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट किया है। तभी तो वह दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उस फिल्म का BTS आप हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। देवरा फिल्म की अंडरवाटर सीक्वेंस की बात करूं, तो यहां रुकी हुई बोट के साथ फिल्म की शूटिंग हुई थी। जब इन स्टार कास्ट के ऊपर से कैमरे को रोल किया जाता है, वहीं पानी की सतह पर कोहरे वाले इफेक्ट्स को रियल तरीके से दर्शाने के लिए डायरेक्टर ने वेपर मशीन का इस्तेमाल किया था, जिससे सीन में नेचुरल इफेक्ट पैदा हो। आप यहां ग्रीन कलर के सूट में VFX आर्टिस्ट को देख सकते हैं, जो कि पानी में खड़े होकर वेपर मशीन चला रहे हैं। हालांकि अदर फिल्मों में इतने एफर्ट्स नहीं लगाए जाते हैं। इस तरह के इफेक्ट्स को फिल्म मेकर एनिमेशन से ही क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिल्म डुप्लीकेट नजर आती है। यही सब हुआ था फिल्म आदिपुरुष में, जिसकी वजह से उस फिल्म की VFX को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। खैर, 35 दिन तक इस स्विमिंग पूल वाले सीक्वेंस की शूटिंग चली थी, जिसमें सभी अंडरवाटर सीन थे, जबकि शमशाबाद में एक बीच जैसा सेट बनाया गया था, जहां पर हमें इंटरवल के टाइम पर होने वाली मजेदार फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलती है, जहां देवरा नशे में होता है और उन पर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं। वह एक मास्टरपीस फाइटिंग सीक्वेंस था, जिसे देखने में बहुत मजा आया था। साबू सिरिल ने इस सेट को बनाने में पूरी जान लगा दी थी। उनके ऊपर सेट को डिजाइन करने की पूरी जिम्मेवारी थी। उन्होंने सेट में रेत, बोल्डर और पत्थरों का भी उपयोग किया है, जिसको वे कर्नाटका के बीच से लेकर आए थे। जानवी कपूर और जूनियर NTR का यह प्यारा सा सॉन्ग तो आप लोगों को याद ही होगा। चुटामाले सॉन्ग की मैक्सिमम पार्ट की शूटिंग रियल लोकेशन पर की गई थी, जिसका शूटिंग लोकेशन थाईलैंड था, जबकि यह जो सीन आप देख रहे हैं, इसे एक स्टूडियो के अंदर सेट बनाकर फिल्माया गया था। यहाँ जानवी कपूर का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, चारों तरफ क्रू है और यहाँ वह काफी गॉर्जियस दिख रही है, और वह सेट पर भी मस्ती मजाक करते नजर आई थी, जिससे यह पता चलता है कि वह काफी प्रोफेशनल है, क्योंकि उसके अलावा कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद उसे अनकंफर्टेबल हो सकती थी। VFX, इस फिल्म का VFX वाकई कमाल का है, जिसका श्रेय जाता है DNEG नामक एक अंग्रेजी विजुअल कंपनी को, जिन्होंने हाल ही में कल्कि फिल्म के लिए भी वर्क किया था। इसके अलावा उनका साथ दिया है कल्याण राम की होम प्रोडक्शन VFX कंपनी और अजय देवगन की VFX कंपनी NY VFX वाला ने। कोराटाला शिवा इस फिल्म के निर्देशक हैं, जिन्होंने इससे पहले भी जूनियर NTR के साथ काम किया था। 2016 में उन्होंने जूनियर NTR को लेकर जनता गैरेज बनाई थी, जो कि उस टाइम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसमें NTR के साथ मोहनलाल और सामंथा रुत भी नजर आई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवरा फिल्म को जूनियर NTR के ही सौतेले भाई नंदामूरी कल्याण प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम NTR आर्ट्स है। शायद आपको नहीं पता होगा कि देवरा फिल्म की स्टोरी और कास्टिंग पहले अल्लू अर्जुन के साथ हो गई थी। उन्होंने आखिरी टाइम तक साथ में इस फिल्म को प्लान भी किया था, बट आगे चलकर अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म को छोड़ दिया, जिसके बाद कोटाला शिवा ने इस फिल्म की स्टोरी की थीम समुद्री लुटेरे पर रख दी, बट उसका बेसिक स्क्रिप्ट पहले ही लिखा जा चुका था। खैर, इस समुद्री लुटेरे वाली फिल्म, यानी कि देवरा में अगर जूनियर NTR की जगह अल्लू अर्जुन होते तो इस फिल्म की हाइप क्या होती, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जहां लोग जानवी कपूर की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं गौर करने वाली बात यह है कि वह डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी। इससे पहले डायरेक्टर ने रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया था, बट उन सभी ने ऑलरेडी अपनी दूसरी फिल्म के लिए टाइम दे रखा था, यानी कि उन्होंने किसी न किसी फिल्म को पहले ही साइन कर लिया था, जिसके बाद जानवी कपूर को ऑफर मिलता है,
जानवी ने तुरंत इस फिल्म को साइन भी कर लिया था और उन्होंने इंटरव्यू में यह भी बोला कि उनका ड्रीम पूरा हुआ क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर से उनकी फैमिली का पुराना रिश्ता और है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह जब भी साउथ की फिल्म में अपना डेब्यू करे तो उनका पहला हीरो जूनियर NTR ही हो। तो ऐसे में वह काफी खुश थी इस फिल्म को पाकर। देवरा पार्ट 1 में जूनियर NTR को बाप और बेटे के डबल वाले रोल में दिखाया गया है जहां उनके बेटे वाले किरदार के साथ जानवी कपूर की जोड़ी बनी है। शायद आपको पता नहीं होगा कि जूनियर NTR के दादाजी यानी सीनियर NTR के साथ जानवी कपूर की माँ श्रीदेवी की भी जोड़ी बनी थी। उन्होंने ऑन स्क्रीन एक पर एक हिट फिल्में दिए थे। साल 1979 में वेटागाडू नामक एक तेलुगु फिल्म में उन दोनों की जोड़ी ने तो सबका ध्यान खींच लिया था। वह एक परफेक्ट कपल की तरह उस टाइम नजर आते थे जबकि आज के टाइम पर यानी देवरा पार्ट 1 में जूनियर NTR और जानवी कपूर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया जा रहा है। खैर सीनियर NTR की उम्र उस टाइम पर 56 साल थी जबकि श्रीदेवी केवल 16 साल की थी। वहीं अगर देवरा फिल्म की बात करें तो जूनियर NTR और जानवी कपूर के बीच भी 14 साल का एज गैप है। खैर सीनियर NTR और श्रीदेवी ने उस टाइम पर एक के बाद एक लगभग 12 फिल्में की थी जो आज तक लोगों की पसंद बनी हुई है। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए तो है लेकिन फिल्म के लीड एक्टर जूनियर NTR की फीस ही इस फिल्म के बजट का 20% है यानी कि उसे फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि देखा जाए तो RRR के लिए उन्हें 45 करोड़ रुपए मिला था यानी कि उनकी सैलरी में 33% की इजाफा हुई है। देवरा फिल्म रिलीज होने से पहले ही हिट हो चुकी है। इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था जबकि इसके हिंदी थियोरेटिकल राइट्स को ही 60 करोड़ में अकेले बेचा गया है जबकि 150 करोड़ रुपए में म्यूजिकल राइट्स सेल किए गए हैं। OTT पर भी फिल्म को रिलीज किया जाएगा इसके लिए नेटफ्लिक्स ने 150 करोड़ रुपए की बीडिंग करके OTT राइट्स खरीदा है। गौरतलब है कि यह फिल्म थिएटर के बाद हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी।